एवरीवन, दिस इज अमन प्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं सीटेटोटेट 2020 की प्रिपरेशन के बारे में, लेकिन आज का ये हमारा सेशन रहेगा मैथमेटिक्स फॉर पेपर वन के ऊपर, जिसमें हम ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम हर वीडियो में अलग अलग बात करेंगे और हम ब्रीफली ही इसको डिस्कस करेंगे ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर में आने वाले आप बस उनको समझ सकें। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा फॉर ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। दिस इज अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एंगल्स टॉपिक के बारे में। जी हाँ, बहुत लोगों के लिए ये बहुत सा इजी टॉपिक रहेगा। बहुत आप में से कुछ कह सकते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है या जिन्होंने बहुत टाइम से इसको रीड नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए ब्रीफ सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रहेगा एक्यूट एंगल। टोटल हमारे पास 6 एंगल्स आएंगे, हम वन बाय वन उनको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स मेजर लेस देन 90 डिग्रीज। जी हाँ, वो कह रहे हैं एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जिनकी जो मेजरमेंट होती है वो 90 डिग्री से कम होती है। अगर हम इसे सर्कल फॉर्म में देखें तो इस तरह से आएगा। मैंने एक एग्जांपल ली है 71 डिग्री की, तो ये 90 डिग्री से कम है। हमने स्लीपिंग लाइन से अपनी मेजरमेंट शुरू की तो ये हमने 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन से हमारा कम आया है। अगर हम इसे एक प्रोटेक्टर या कंपास में देखें तो ये देखिए इस तरह से आएगा कि हमने 0 डिग्री से अपनी मेजरमेंट शुरू की। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम रहेंगे, 0 डिग्री से लेकर जो 89 डिग्री तक आएंगे, वो सारे आपके एक्यूट एंगल में माने जाएंगे। मीन्स दैट एंगल्स विच मेजर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम है। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल, एन एंगल विच इज 90 डिग्री। जी हाँ, वो एंगल जो हमारा 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा। अगर हम इसे सर्कल फॉर्म में ही देखें तो ये देखिए एल की फॉर्म में आएगा और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और अगर हम इसे कंपास या प्रोटेक्टर के थ्रू देखेंगे तो इस तरह से आएगा। ये देखिए 0 डिग्री से चलता हुआ जब ये 90 डिग्री पे जाएगा तो ये बिल्कुल एल की तरह स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा। तो ये हमारा बन जाएगा राइट एंगल। मीन्स वही एंगल, ना वो किसी से कम है ना वो किसी से ज़्यादा है, वो सीधा 90 डिग्री की उसकी फॉर्मेशन है। नेक्स्ट एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। जी हाँ, वो करें ऑब्ट्यूज अब वो होंगे हमारे थर्ड एंगल जो अब 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा। कैसे? इस तरह से। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का डायग्राम। अगर पहले हमने सबसे पहले एक्यूट किया था 90 डिग्री से कम, फिर हम 90 डिग्री पे पहुंच गए, फिर हम जब एंटी क्लॉकवाइज अब आगे चल रहे हैं तो ये देखिए वो 90 डिग्री से तो बढ़ गया है, जो मैंने एग्जांपल लिया 132 डिग्री, लेकिन अभी तक वो नीचे स्ट्रेट नहीं आया है 180 तक। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं दैट मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और अगर इसे हम कंपास फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए मेजरमेंट आपकी 0 डिग्री से चलते चलते हमने 90 डिग्री क्रॉस किया, अब हम आ गए 132 पे, लेकिन हम अभी 180 पर पहुंचे नहीं हैं। मतलब वो एंगल्स जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में आएंगे वो सारे आपके होंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। जी हाँ, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। वो सर्कल में आपको इस तरह से नज़र आएगा कि हमने हाफ अपना सर्कल, अपना हाफ रेवोल्यूशन, अपनी हाफ रोटेशन हमने कंप्लीट कर ली है, अपना सेमी सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर हम इसे कंपास या प्रोटेक्टर की फॉर्म में देखें तो ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा। 0 डिग्री से चलते हुए हमने पहले एक्यूट कवर किया, फिर राइट कवर किया, फिर ऑब्ट्यूज किया, अब हम पूरा हमने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया यानी हाफ रोटेशन हमने कर ली, दैट इज 180 डिग्री। तो ये हमारा रहेगा स्ट्रेट एंगल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की ओर। नेक्स्ट एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ज़्यादा एंगल्स मेजरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्री। अब हमने 180 डिग्री तक तो हमने स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट कर लिया था, अब जो रिफ्लेक्स एंगल होगा उसमें हमने अब आगे बढ़ना है और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब हम 180 डिग्री 180 डिग्री से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम 360 डिग्री तक हमने अभी तक कवर नहीं किया। 360 डिग्री हो गया कि जहाँ से शुरू हुए थे घूमकर वहीं पर वापस आ जाना। अब देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया है 224। ये हमेशा प्रोटेक्टर को जब हम ऑपोजिट करते हैं तब मेजरमेंट इसकी हमारे पास आती है। अब हम इसे कंपास फॉर्म में देख लेते हैं तो ये देखिए हमारा रिफ्लेक्स एंगल कि अब 180 डिग्री से तो वो आगे हो गया है लेकिन अभी तक वो चल के पूरा 360 तक वापस नहीं आया है। मींस वो एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े होंगे लेकिन 360 डिग्री से वो छोटे होंगे, मींस मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, दे आर कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल्स। और इनकी जो मेजरमेंट है वो भी अगर प्रोटेक्टर ऑपोजिट होगा तो मेजरमेंट भी, देखिए सर्कल भी दूसरी साइड चला गया।
और हमारा लास्ट जो एंगल रहेगा वो रहेगा फुल रोटेशन और कंप्लीट एंगल के, उसने पूरा सर्कल अपना, पूरा चक्कर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब फुल रोटेशन इज 360 डिग्रीज, हमारा जो फुल रोटेशन वो कह रहा है वो होता है 360 डिग्रीज का। दिस इज़ अ फुल रोटेशन और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना, और कंप्लीट टर्न और फुल सर्कल। इट मीन्स टर्निंग अराउंड अंटिल यू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन अगेन, के टर्निंग अराउंड के घूम कर फिर वहीं वापस आना जहाँ से आपने वो चीज़ शुरू की थी। अगर हम इसे डायग्राम फॉर्म में देखें, देखिए फुल रोटेशन ऐसे आएगा कि हमने जीरो डिग्री से शुरू किया था, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, उसके बाद स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, हम सारे कवर करते हुए हम वापस उसी पर आ गए। हमने एक पूरा चक्कर ले लिया, एक पूरा सर्कल ले लिया, एक पूरा रोटेशन, एक रेवोल्यूशन ले लिया, तो हमारा 360 डिग्रीज कंप्लीट हो गया। अगर हम इसे प्रोटेक्टर फॉर्म में देखें तो इस तरह से आएगा, ये देखिए जीरो डिग्री से वो शुरू हुआ और सारे एंगल्स को कंप्लीट करता हुआ वो वापस उसी पे आ गया, तो ये उसका बन गया 360 डिग्री एंगल्स। इसे हम फुल रोटेशन, कंप्लीट एंगल, फुल सर्कल, रेवोल्यूशन, कंप्लीट टर्न एंगल, कुछ भी कह सकते हैं इन सारे वर्ड्स में से। तो ये हमने आज आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था एंगल्स। जिन्होंने बहुत टाइम से इसको स्टडी ना किया हो तो बस थोड़े से माइंड में अगर एक बार मेन मेन कंसेप्ट आ जाए तो वो एक बार रिकॉल हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सिक्स टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से थे। एक्यूट लेस देन 90, नंबर टू आपका था राइट 90, नंबर थ्री ऑब्ट्यूस मोर देन 90 लेस देन 180, फिर आपका था 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, उसके बाद फिफ्थ था रिफ्लेक्स मोर देन 180 लेस देन 360, और फिर आपका लास्ट आ गया फुल रोटेशन 360 डिग्री एंगल्स। तो ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इतना आपको अगर नॉलेज हो जाए तो आपका कोई ना कोई पेपर वन का जो अगर क्वेश्चन आता है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था ज्योमेट्री का, फर्स्ट हमारा पार्ट था ऑन टॉपिक्स एंगल्स। हम ज्योमेट्री के और भी सारे टॉपिक्स को नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे ऐसे ही सिमिलर पार्ट्स में। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि रहेगा ज्योमेट्री पर, और उसमें भी हम ज्योमेट्री का ही कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तो मिस मत कीजिएगा। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन किस तरह का लगा। सो दिस इज़ अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी साइनिंग ऑफ।